पहली जुलाई से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा को सफल बनाने के लिए कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे ताकि कहीं कुछ गड़बड़ी होने पर उनकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सके। सभी यात्रियों का 5 लाख का बीमा कराया जाएगा। यात्रियों को गुफा तक ले जाने वाले खच्चरों का भी 50,000 का बीमा होगा। ये संदेश बड़ा साफ होना चाहिए कि एक तरह से सरकार भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उसमें आत्मविश्वास है कि वो इस तरह की यात्रा इतनी लंबी अवधि की करवा सकती है, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों में आपने देखा कभी यात्रा 10 दिन कभी 15 दिन कभी 30 दिन स्थगित हो जाती थी। और दूसरी लोगों में भी उतना उत्साह है, यदि 2.25 करोड़ के लगभग पर्यटक आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लग रहा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आने वाले। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे और बेस कैंप तक बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर से रात में हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, डॉक्टर और बेड का इंतजाम किया गया है। यात्रा के दौरान आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए NDRF को तैनात कर दिया गया है। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। अमूनन इस रास्ते पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, जिसको सरकार ने दूर करते हुए पूरे रास्ते पर Wi-Fi हॉटस्पॉट का इंतजाम किया है, जिससे मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही पूरे रास्ते में जगह जगह लाइट की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेस कैंप में भी बाबा के दरबार के लाइव ऑनलाइन दर्शन करवाने के भी इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल 3,45,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और इस साल यह संख्या 5 लाख के पार जाने का अनुमान है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जाएगी। पिछली गलतियों से सबक लेकर श्रद्धालुओं के लिए इस बार सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी मुकम्मल ध्यान रखा गया है। सरकार की कोशिश यही है कि यात्रा सही ढंग से संपन्न हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।